हे एवरीवन, कैसे आप सब? पता है ये क्या है? ये है एवोकाडो प्लांट जो कि मैंने सीड से ग्रो किया है, और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एवोकाडो को सीड से कैसे ग्रो करते हैं। इस वीडियो में मैं ग्रो करने के लिए दो मेथड बताने वाली हूँ, और ये भी बताऊँगी कि किस तरह के मौसम में कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा एवोकाडो फ्रूट, इसके अंदर ही बीज रहता है जिसे हम निकाल के ग्रो करेंगे। जब आपको फल थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगने लगे ना, तभी आप बीजों को निकालिए, क्योंकि तब तक फल पक चुका रहता है और सीड्स जो हैं वो मैच्योर हो चुके रहते हैं। बस हल्का आपको एक सर्कल में कट लगाना है और फिर फल को ट्विस्ट करिए, फल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ये जो लाइट येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, इसे आप मिल्क शेक में डालकर पीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा। और ये रहा एवोकाडो सीड, इसे ही हम अभी ग्रो करेंगे। उगाने का तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह के क्लाइमेट में आप इसे ग्रो कर सकते हो और कब। एवोकाडो का पौधा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर ग्रो होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर ग्रो होता है। इसलिए तेज़ गर्मी और तेज़ ठंडी के जो महीने होते हैं ना, उसे छोड़ के आप इसे ग्रो करिए। और साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं, तो इस पौधे को ऐसे लोकेशन पे उगाइए जहाँ पे पेड़ की छाव के कारण या बालकनी में बहुत सारे पौधे के कारण थोड़ा ठंडा रहे। और अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं, तो बर्फ़ से होने वाले डैमेज से बचा के रखिएगा, और ऐसे लोकेशन पे रखिएगा जहाँ पे सुबह से शाम तक अच्छी रोशनी आती रहे। चलिए अब इन बीजों को लगाने का तरीका देख लेते हैं। पहला मेथड काफ़ी सिंपल है, बस मिट्टी या कोकोपीट आपको यूज़ करना है। ये मेथड आप उन जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, थोड़ा गर्म क्लाइमेट है। गमले में मिक्स भर लेने के बाद उसे लेवल कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, गमले में ड्रेनेज होल होना चाहिए, पानी फंस कर ना रहे। और फिर आपको बीज का जो फ्लैट सरफेस है ना, उसे मिक्स की तरफ रखना है। फ्लैट सरफेस थोड़ा लाइट ब्राउन रहता है कलर में, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। सीड को मिक्स में दबा दीजिए। आप चाहें तो इस बीज को पूरा ऊपर तक कवर कर सकते हैं, मैं आधा कवर करना प्रेफर करती हूँ, उससे सीड का हेल्थ मुझे पता चलता रहता है। और बस अच्छे से पानी डाल दीजिए, इसे आउटडोर ही रखिएगा जहाँ इसे अच्छी रोशनी मिलती रहे। एवोकाडो के बीजों को ग्रो करने का जो दूसरा तरीका है, वो है पानी में ग्रो करना। ये मेथड हर तरह के क्लाइमेट में सक्सेसफुल है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं जिसे अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो इस मेथड को शुरू करने से पहले आपको सीड कवर हटा लेना चाहिए। सीड कवर पानी में गलने लगते हैं, जिससे पानी जो है वो गंदा होगा और फंगल इन्फेक्शन का डर हो जाता है। सीड कवर को हटाते हटाते मैं आपको जो प्रॉब्लम है इस मेथड का वो बता दूँ। अगर आप गर्म जगह में रहते हैं, तो पानी में मॉस्क्यूटो ग्रो करने का डर रहता है, और साथ ही ग्रीन एल्गी के ग्रोथ का भी डर रहता है। और इसलिए आपको हर दो दिन में ग्लास को साफ कर लेना चाहिए और पानी बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, तेज़ गर्मी से बचाने के लिए आप ऑब्वियसली पौधे को इंडोर ग्रो करेंगे। इंडोर अच्छी रोशनी नहीं मिल पाने के कारण पौधा लैगी हो जाता है, वो कमज़ोर पौधा बनता है। ठंडी जगह पे आप ये मेथड आराम से फॉलो कर सकते हैं, बस आप सेटअप को बाहर रखिएगा जहाँ पे इससे अच्छी रोशनी मिलती रहे। ये देखिए, सीड का कवर हटा दिया है मैंने। अब क्या करना है, अब थोड़ा ट्रिक है। इस सीड को आपको फ्लोटिंग वे में रखना है, मतलब आधा पानी के अंदर रहेगा और आधा बाहर रहेगा। और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी टूथपिक की। इसका नुकीला वाला जो हिस्सा है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बस आधा सेंटीमीटर आपको सीड के अंदर डालना है। इस तरह से हम तीन टूथपिक इसके अंदर चुभा देंगे। तीनों टूथपिक हमने लगा दिए हैं, और अब जो नुकीला वाला भाग है ना, इसे ऊपर रखना है। जो फ्लैट सरफेस है हल्के रंग में, ये पानी को टच करेगा। ये है ग्लास, और इसमें ही हमें सीड को डाल देना है। लेकिन पानी का सरफेस काफ़ी ऊपर है, और हमें चाहिए कि सीड बस आधा डूबा रहे, इवन बस हल्का सा टच में रहे जो फ्लैट सरफेस है। इसलिए थोड़ा सा पानी मैं निकाल देती हूँ, और बस पंख लगे हुए बीज को पानी पे रख देते हैं। इस सेटअप में सीड जब तक ग्रो ना हो जाए, तब तक कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप पानी बदलना और ग्लास को साफ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेटअप को अच्छी रोशनी वाली जगह पे रखिएगा। चलिए अब कोकोपीट में लगाए हुए बीज का अपडेट दिखा देती हूँ।
एवोकेडो के सीड को जर्मिनेट होने में 15 दिन से 40 दिन तक लग सकता है, कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी तरफ की क्लाइमेट पे, इसलिए लगाने के बाद थोड़ा सब्र रखिएगा। पहले अपडेट के ठीक 20 दिन बाद का अपडेट है ये, और आप देख पा रहे होंगे 3 पौधे ग्रो हो रहे हैं। एवोकेडो के केस में ये काफ़ी कॉमन है, एक पौधे से लेके 4 या 5 पौधे तक आपको मिल जाएंगे एक बीज से। दूसरा अपडेट 13 जुलाई का था और आज है 4 अगस्त। बारिश का मौसम है, पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा। अब मैं थोड़ी इसकी प्रूनिंग करूँगी और वो पार्ट आपको मेरे एवोकाडो बॉन्साई वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। प्रूनिंग के बाद मैंने थोड़ा इसे ग्रो होने दिया है, अभी मैं इसे फ़िलहाल रिपॉट करूँगी नॉर्मल गार्डन सॉइल में। और 3 पौधे आपको दिख रहे होंगे, इसमें से जो एक सबसे कमज़ोर पौधा है उसे मैं काट कर हटा दूंगी। ये रूट बॉन्ड भी हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे नीचे से ड्रेनेज होल से जड़ काफ़ी सारे बाहर आए हुए हैं। चलिए फिर इन 3 में से सबसे वीक वाले को पहले हटा देते हैं और फिर फटाफट रिपोर्ट कर लेते हैं। रिपॉट कर देने के बाद अच्छे से पानी डाल दीजिए। आगे के 5-6 दिन इसे शेड में ही रखिएगा ताकि पौधा सेट हो जाए, और फिर इसे आप आउटडोर अच्छी रोशनी में रखिएगा। ठंड में आप आराम से आउटडोर बाहर सुबह से शाम तक की धूप में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में तेज़ धूप से आपको बचा के रखना है। फ्रेंड्स, एवोकेडो के बारे में अगर कुछ जानना हो तो कमेंट करिएगा, इस पौधे की अपडेट देखनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये मटके में है लीफ कंपोस्ट जो तैयार हैं, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीक डालने वाली हूँ तो देखना मत भूलिएगा। साथ ही चंदन का बीज भी ग्रो हो गया है, कई सारे वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं, बस बने रहिएगा प्रकृति इस गार्डन के साथ। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति इज गार्डन साइनिंग ऑफ।